हेलो, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग फोटोकॉन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अपनी वेबसाइट www.photocons.com उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी आर्टिस्ट या फोटोग्राफर से पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि हम अपने आर्ट वर्क को कैसे आपकी साइट पर सेल करें। तो मैं आज यह वीडियो स्पेशली उन मेरे फोटोग्राफर दोस्तों के लिए शेयर कर रहा हूँ। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोटोग्राफर्स कैसे अपने डिजिटल आर्ट वर्क, अपनी इमेजेस को और अपनी साइट फोटोकॉन्स पर सेल कर सकते हैं। फोटोग्राफर्स के लिए हमारी साइट पर दो पोर्टल हैं, एक है फोटो स्टॉक पोर्टल और दूसरा है डिजिटल प्रिंट आर्ट पोर्टल। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फोटो स्टॉक पोर्टल क्या है और डिजिटल प्रिंट आर्ट पोर्टल क्या है। जो फोटो स्टॉक पोर्टल है, यह पोर्टल डाउनलोडेबल सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराएगा। आपके जितनी भी जो भी इमेजेस आप लिस्ट करेंगे उनकी डाउनलोडेबल सॉफ्ट कॉपी कॉमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल कराएगा। इसको भी तीन सब टाइप में डिवाइड किया हुआ है, इमेजेस, वेक्टर्स और इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पर आप ये डिजिटल कंटेंट अपलोड और लिस्ट कर सकते हैं। इमेज स्टॉक में आप अपने सारे फोटोग्राफ्स वो आप अपलोड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में डिजिटल ग्राफिक्स है और डिजिटल जो डिज़ाइन है उनको हम अपलोड लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है डिजिटल प्रिंट आर्ट का। जो डिजिटल प्रिंट आर्ट का सेक्शन है, यह है किसी भी डिजिटल कंटेंट का हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट वर्जन अवेलेबल कराएगा। डिजिटल प्रिंट आर्ट को भी चार सब टाइप में डिवाइड किया हुआ है, डिजिटल पेंटिंग, फोटोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिजिटल इलस्ट्रेशंस। तो ये आपके दो पोर्टल है जहाँ पर कि आप अपने आर्ट वर्क को लिस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, दोनों ही पोर्टल में सेपरेटली अपने आर्ट वर्क को लिस्ट करना होगा। यानी कि आप एक इमेज को चाहते हैं कि वो डाउनलोडेबल, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी बायर को अवेलेबल हो और आप चाहते हैं कि उसका प्रिंट वर्जन भी अवेलेबल हो, तो आपको दोनों ही पोर्टल में सेपरेटली और अपना आर्ट वर्क अपलोड करना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि कैसे आप हमारी साइट पर रजिस्टर करेंगे, कैसे यहाँ अपना आर्टवर्क अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन विंडो पर जाएंगे। जैसे ही हम लॉगिन विंडो को क्लिक करेंगे, लॉगिन पेज अपीयर होगा। लॉगिन पेज पर आप अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने सेट किया है, यानी कि अगर आपने अभी लॉगिन नहीं बनाया है, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, सबसे पहले आपको साइनअप पर जाना होगा। साइनअप पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या लिस्टिंग का कोई चार्जेज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। साइनअप के लिए आपको सिंपल ये इन्फॉर्मेशन है, आपको नाम फिल करना है, आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है। ध्यान रहे, मेल आईडी भरते वक्त ध्यान रहे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि बाद में आपको वेरिफिकेशन मेल से उसको वेरीफाइड करना होगा। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर भी आप 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर आप डालिए, और मोबाइल नंबर भी वैलिड नंबर होना चाहिए, क्योंकि आगे हम फ्यूचर प्रोजेक्ट में मोबाइल नंबर से भी ओटीपी वेरिफिकेशन से भी और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। और आपको जो नोटिफिकेशंस आपके किसी भी परचेज के या ट्रांजेक्शन्स के या आपके लिस्टिंग के, वो नोटिफिकेशन आपको मेल आईडी पर भी मिला करेंगे और मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भी मिला करेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना है और फिर आपको चूज करना है कि आप एज ए सेलर यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं या एज ए बायर या आप दोनों। कई सेलर ऐसे हैं जो वो कुछ आर्ट वर्क यहाँ से खरीदना भी चाहेंगे, तो वो दोनों बोथ ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जब आप सेल का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको एक नई कुछ फील्ड और अपीयर होंगे जहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप एज ए गैलरी
रजिस्टर हो रहे हैं, या आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं, या आप रीसेलर, और फिर आपको ये टाइप चूज करना है। आप मल्टीपल टाइप भी चूज कर सकते हैं, जैसे आप किस में डील कर रहे हैं, जैसे आप हैंडमेड फाइन आर्ट में, फ़ोटो स्टॉक में। अब मैं फोटोग्राफर्स के लिए स्पेशली बताना हूँ कि आपको फ़ोटो स्टॉक और डिजिटल प्रिंट आर्ट, ये दो ऑप्शन आपको चूज करना है। ये दो ऑप्शन आप चूज करेंगे। अगर आपको हमारा मंथली न्यूज़लेटर उसको सब्सक्राइब करना है तो आप इसको ऑप्शन को टिक करिए, फिर आप साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद में आपको नेक्स्ट फिर लॉगिन करना है। अभी लॉगिन में मैं आपको एक बार लॉगिन करके बताता हूँ अंदर किस तरह से आपका विंडो खुलेगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपका सेलर डैशबोर्ड अपीयर होगा। ये आपका सेलर डैशबोर्ड, इस तरह का आपका सेलर डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पर आप राइट साइड में आपको इस तरह की लिस्ट मिलेगी, जिसमें माय प्रोफाइल, सेलर, सेलर का सेल माय आर्ट, रेवेन्यू रिपोर्ट, माय सेल्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, न्यू ऑर्डर, आर्टिकल्स, चेंज पासवर्ड, सेटिंग, सपोर्ट और लॉग आउट। और ये आपको आर्ट लिस्टिंग यहाँ पर डिस्प्ले होगी, जितना भी आर्ट वर्क आपने अपलोड किया है वो सारा यहाँ पर आपको लिस्ट दिखेगा। उसमें आपका टाइटल, उसका उसका आर्ट का आईडी, आर्ट वर्क का आईडी, पर्टिकुलर आईडी से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, और किस टाइप का आपने आर्ट वर्क अपलोड किया है, लिस्ट किया है, वो यहाँ पर दिखेगा। सब टाइप दिखेगा, स्टेटस दिखेगा कि वो आपका अप्रूव हुआ है या अभी पेंडिंग में, रिव्यू पेंडिंग में चल रहा है, और उस पर आप क्या एक्शन कर सकते हैं, उसको लिस्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ से आप अनलिस्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, अनलिस्ट करने पर वो जो किसी बायर ने अगर कोई प्रोडक्ट वो ऑलरेडी परचेज कर लिया है तो उसको वो प्रोडक्ट दिखेगा वो, लेकिन इसके अलावा नए बायर को वो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा आपको अनलिस्ट करने के बाद। तो ये आप यहाँ पर ये प्रोविज़न है। यहाँ पर अपना आर्ट वर्क को आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं अपने टाइप से, सब टाइप से, और आपके अप्रूव्ड है, रिव्यू पेंडिंग में कितने हैं वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपलोड न्यू आर्ट पर, क्योंकि आप नए यूजर हैं, सेलर अभी बने हैं और आप अपना नया आर्ट वर्क अपलोड करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपलोड न्यू आर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड न्यू आर्ट पर क्लिक करेंगे आपको ये विंडो अपीयर होगी। ये फोर स्टेप प्रोसेस है, जहाँ चार स्टेप में आपको एक आर्ट वर्क अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको चूज करना है टाइप। टाइप चूज करते वक्त ध्यान रखें, जैसे आप फोटोग्राफर हैं और आप अपने इमेज को डाउनलोडेबल सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप फोटो स्टॉक चूज करें। अगर आप हार्ड कॉपी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप डिजिटल प्रिंट आर्ट चूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिजिटल प्रिंट आर्ट चूज किया। फिर आप सब टाइप चूज करेंगे, जैसे आप फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं तो आप फोटोग्राफी यहाँ चूज करेंगे। अगर डिजिटल कंटेंट कोई और है, कोई ग्राफिक्स है, इलस्ट्रेशन है, तो आप ये चार ऑप्शन में से कोई चूज कर सकते हैं। फोटोग्राफी हमने चूज किया। आर्टिस्ट नेम में वो फोटोग्राफर का नाम आएगा जिसने कि वो पर्टिकुलर आर्टवर्क बनाया है, और टाइटल आपको पर्टिकुलर उस आर्टवर्क का टाइटल आपको देना है, क्लोजली रिलेटेड टाइगर टाइटल। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आई है इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी कि उसमें आपको क्या फिल करना है, उससे रिगार्डिंग एक शॉर्ट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हर उस पर आई के आगे आप क्लिक करने पर आपको वो अवेलेबल होगी। फिर आप इसमें टाइटल डालेंगे, टाइटल एक यूनिक और शॉर्ट टाइटल होना चाहिए। देन आप ब्राउज करेंगे, और ब्राउज करने के बाद आपको इसमें इमेज डालनी है। मैं एग्जाम्पल अभी कोई भी इमेज इसमें डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज एक डाली है। इमेज डालने के बाद जब इमेज इसमें अपलोड हो जाएगी तो राइट का क्लिक, राइट का निशान आएगा, राइट मार्क आएगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इनेबल नहीं हुआ है क्योंकि हमने टाइटल नहीं डाला है। तो माना कि हम इसका कुछ भी टाइटल डाल देते हैं, जैसे इसका हम डाल देते हैं इलस्ट्रेशन, ये हमने टाइटल डाल दिया। अब तब जाके नेक्स्ट इनेबल्ड हुआ। अब नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे, फिर आता है वेरिएशन। ये यहाँ पर समझने वाली बात है, वेरिएशन यहाँ पर दो है, एक है अवेलेबल ओरिजिनल साइज और दूसरा है ओपन एडिशन। करेंसी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, इंडियन रुपीज या यूएस डॉलर। मोस्टली हम इंडियन आर्टिस्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं तो वो इंडियन रुपीज में करेंसी चूज करें।
अगर आपके पास में आपका जो आर्ट वर्क है वो ओरिजिनल अवेलेबल है, तो ये जनरली जो रीसेलर होते हैं या जो गैलरी गैलरिस्ट है उनके लिए है ये ऑप्शन। ये फोटोग्राफर के लिए नहीं है, जो खुद डिजिटल कंटेंट बनाते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सॉफ्ट कॉपी पीसी में सेव्ड है, तो वो उसका ओपन एडिशन डिजिटल प्रिंट उसका अवेलेबल कराएंगे। तो ओरिजिनल साइज सिर्फ उसी के लिए है जो कोई गैलरी ने किसी पर्टिकुलर किसी रिनॉन फोटोग्राफर का कोई आर्ट वर्क या किसी रीसेलर ने कभी किसी का आर्ट वर्क कोई परचेज किया और अब उसको वो बेचना चाहता है, उनके लिए ही ये ओरिजिनल साइज का ऑप्शन चूज करना है, जहाँ पे आपको विड्थ भरनी है उसकी पर्टिकुलर जो आर्ट वर्क है जो आपके पास में हार्ड कॉपी में अवेलेबल है उसकी हाइट भरनी है, उसका प्राइस भरना है, आपको सरफेस चूज करना है, सरफेस पेपर में है या कैनवास पर है, मीडियम डेफिनेटली डिजिटल होगा, और बॉर्डर अगर उसमें कोई मार्जिन है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जिससे कि फ्रेम का साइज जो है वो बायर डिसाइड कर सके। इसलिए बॉर्डर अगर है उसका तो बॉर्डर आपको यहाँ पर डालना है, नहीं है तो आप जीरो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास में ओरिजिनल साइज का वेरिएशन अवेलेबल नहीं है और आप ओपन एडिशन प्रिंट चूज़ करना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ओपन एडिशन जैसे ही चूज किया इसमें आ रहा है यू कांट ऑफ दिस ऑप्शन एज इमेज साइज यू पुट इज स्मॉल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ओपन एडिशन प्रिंट हमारा सिस्टम में तभी जनरेट होगा जब इमेज की साइज 1024x1024 पिक्सल से ज़्यादा होगी। तो हम वापस चलते हैं और इमेज हम चेंज करते हैं यहाँ पर, तो अभी मैं इसमें दूसरी इमेज डालता हूँ जो साइज में बड़ी हो। तो ये इमेज मैं आपको एक बार देखते हैं, ये मैंने डाली है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब हम ओपन एडिशन चूज़ करते हैं। अब आप देखिए ओपन एडिशन में ये प्रिंट वेरिएशन बन गए हैं, ये प्रिंट वेरिएशन बने बिकॉज साइज जो है उस इमेज की वो 1024x1024 पिक्सल से ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तरह का प्रिंट प्रोग्राम है, फोटोकॉन्स प्रिंट प्रोग्राम एंड सेलर प्रिंट प्रोग्राम। फोटोकॉन्स प्रिंट प्रोग्राम का मतलब है कि फोटोकॉन्स जो भी प्रिंट का ऑर्डर होगा, यानी कि ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं 10x10 15x15 ना, ये वेरिएशन जो बने हैं इसमें कोई भी ऑर्डर जो होगा प्रिंट का उसको फोटोकॉन्स खुद प्रिंट करके देगा पेपर में या कैनवास में। ये फाइन आर्ट पेपर के वेरिएशन है और ये कैनवास के वेरिएशन है, तो दोनों में से जो वेरिएशन का ऑर्डर होगा उसको खुद फोटोकॉन्स प्रिंट करके देगा। सेलर प्रिंट प्रोग्राम में ये इसमें सेलर खुद प्रिंट प्रोवाइड करेगा, जो भी ऑर्डर होगा उसको खुद प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर जनरली ये प्रमोट करते हैं कि आप फोटोकॉन्स प्रिंट प्रोग्राम को चूज़ करिए, क्योंकि हमने एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल प्रिंट एजेंसी से एसोसिएशन किया हुआ है, जो कि म्यूजियम क्वालिटी के आउटस्टैंडिंग प्रिंट हमको अवेलेबल कराएगा बायर्स को देने के लिए। तो क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सुप्रीम क्वालिटी और अपने बायर्स को अवेलेबल कराएं। तो यह है, बाकी आपके नॉलेज में कोई इस तरह का प्रिंट एजेंसी है जहाँ पर आप प्रिंट कराते रहते हैं या करा सकते हैं, तो आप सेलर प्रिंट प्रोग्राम भी चूज कर सकते हैं। दोनों का प्राइस शेयरिंग वो भी मैं आपको बता दूं, फोटोकॉन्स प्रिंट प्रोग्राम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप देखिए इसमें लिस्टेड प्राइस 900 है, तो जो रिसीवेबल जो आपको मिलेगी सेलर को वो 30% मिलेगा, यानी 270 रुपीज़। अगर आप सेलर प्रिंट प्रोग्राम चूज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी आपको 70% उसका यानी कि 630 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो ये इसमें प्राइस शेयरिंग भी साथ में ही आपको मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर सिर्फ आप जो देख रहे हैं सिर्फ दो साइज़ बनी है, 10x10 और 15x15, बिकॉज जो साइज़ है उसकी इमेज की वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे ही साइज़ आप बड़ी साइज़ की डालेंगे तो वेरिएशन आपके बढ़ते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर इमेज। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाउ रीटच दिस आइटम। ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज जो आर्ट वर्क आपने डाला है उसको हम अपने एंड पर अपने प्रोफेशनल जो फोटोशॉप और ऐसी एजेंसी जो वर्क कर रही है जो कि उनको रिटच करके उसको और अट्रैक्टिव बैकग्राउंड देके या उसको इमेज को और अपीलिंग बना के और उसकी वेरिएशन अवेलेबल कराती है, उन वेरिएशन का जो प्राइस है वो भी सेम ही होता है और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम सेलर से नहीं लेते हैं, बायर को भी वो उसी प्राइस में अवेलेबल होती है, लेकिन बायर्स को कुछ चॉइसेस मिल जाती है और बायर उस पर्टिकुलर इमेज के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा।
तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको अलाउ रिटच दिस आइटम आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मीनू आता है पूरा, ड्रॉप डाउन मीनू में से आपको क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप सर्च भी कर सकते हैं कैटेगरी, जैसे मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ इलस्ट्रेशंस, अभी इसमें इलस्ट्रेशंस नहीं है, तो आप क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने स्टिल लाइफ ले लिया है ना, आपने पोर्ट्रेट ले लिया, ऐसी तीन कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई कैटेगरी आपको डिसलेक्ट करनी है तो आप उसको वापस क्लिक करेंगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगी। तीन से ज़्यादा कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने पर और ये इनेबल नहीं होगा, यानी कि नेक्स्ट का ये अपीयर नहीं होगा। तो आपको पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया, जैसे मैंने कि मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट की, आप दो सेलेक्ट कर लीजिए, एक लैंडस्केप सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अपने पर्टिकुलर जो आर्ट वर्क है उससे रिलेटेड कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, ये आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कैटेगरी इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप उससे क्लोजली रिलेटेड जो कैटेगरी है वो आप डाल दीजिए और हमें आप इंटीमेट करेंगे तो हम बाद में वो कैटेगरी इसमें ऐड कर सकते हैं। टैग्स जो है वो आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर डालने हैं। ये कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ कीवर्ड डाल दिए हैं, इनको आपको कॉमा से सेपरेट करने पड़े, कॉमा से आप सेपरेट करेंगे तभी ये कीवर्ड्स जो है वो इसमें ले गई। इस तरह से जैसे मैंने ये कीवर्ड्स डाल दिए हैं, इनको मैंने सेपरेट किया कॉमा से। स्टाइल आपको पर्टिकुलर जो फोटोग्राफी का जो स्टाइल है उस वर्क के लिए वो आपको डालना है। जैसे आप मैक्रो फोटोग्राफी है, कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, एरियल फोटोग्राफी है, कैंडिड है, स्ट्रीट है, ये कुछ फोटोग्राफी स्टाइल है जो आपको डालनी है। इसके बाद में आपको कुछ थोड़ा मेंशन उस आर्ट वर्क के बारे में करना है कि वो आर्ट वर्क किस टाइप का है और उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो कि बायर्स को अट्रैक्ट करे कि वो उसको क्यों परचेज करे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ मेंशन करना है। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ये इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेजेस हैं, उनका डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर आप प्रिंट पॉलिसी को समझ सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, एवरीथिंग गिवन देयर। आप इनको पढ़ के और फिर आप इनको क्लिक करेंगे और फिर आप इसको अपलोड करेंगे। मैं इसको अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ और मैं आपको दूसरा सेक्शन, ये मैंने बताया आपको डिजिटल प्रिंट आर्ट के बारे में, अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ़ोटो स्टॉक के बारे में, यानी कि आप फोटो स्टॉक पोर्टल में डालना चाहते हैं उसमें आपको आर्ट टाइप चूज करना होगा फ़ोटो स्टॉक। आर्ट सब टाइप चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर तीन सब टाइप है, तो माना कि आपकी फ़ोटोग्राफी है, इमेज है, तो आप इमेज स्टॉक चूज करेंगे, आर्टिस्ट नेम, देन टाइटल डालना है, इमेज डालनी है, देन आपको करेंसी। अब यहाँ पर आपको जो फोटो स्टॉक में जो प्राइस है वो आपको खुद को प्राइस डालनी होगी। डिजिटल प्रिंट आर्ट में तो सिस्टम खुद जनरेट करता है, प्रिंट वेरिएशन के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन करता है, यहाँ पर आपको खुद को डालनी होगी प्राइस। और प्राइस जो आप डालेंगे वो 400 के मल्टीपल में डालेंगे, यानी कि 400, 800 इस तरह से आपको डालनी होगी, 1200, ये 400 के मल्टीपल में, यहाँ लिखा है एंटर अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ इंडियन रुपीज़ 400, तो माना कि मैंने इसकी प्राइस 1200 डाल दी है। ये एक्चुअली इसलिए ज़रूरी है कि बाद में हम इस प्राइस को क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपने 400 रुपीज़ डाला तो वो 1 क्रेडिट हो गया, 800 डाला तो 2 क्रेडिट हो गया, 1200 डाला तो 3 क्रेडिट हो गया। इस तरह से अभी अभी तो क्या सिंगल इमेज परचेज के लिए ही हमने पोर्टल खोल रखा है, बाद में इसमें हम क्रेडिट पैक भी शुरू करेंगे और सब्सक्रिप्शन पैक भी शुरू करेंगे, जहाँ पर कि मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर कोई बायर कुछ लिमिटेड अमाउंट, जो डिसाइडेड अमाउंट, डिसाइडेड नंबर ऑफ इमेजेस डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा क्रेडिट पैक हम यूज करेंगे, जहाँ पर पर्टिकुलर क्रेडिट पैक वो खरीद कर और इमेजेस डाउनलोड कर सकता है, यानी कि किसी इमेज की वैल्यू 3 क्रेडिट है, उसने 10 क्रेडिट परचेज कर लिए, तो 10 क्रेडिट में से एक इमेज 3 क्रेडिट की जब वो डाउनलोड करेगा तो उसके पास 7 क्रेडिट रह जाएंगे, यानी कि अभी वो कुछ इमेजेस और डाउनलोड कर सकता है जिनकी टोटल वैल्यू 7 क्रेडिट होगी। यहाँ पर अब क्रेडिट पैक का फ़ायदा उसको क्या होगा कि क्रेडिट पैक में उसको वो थोड़ा डिस्काउंटेड मिलेगा, जैसे कि मैंने कि 10 क्रेडिट्स उसने खरीदे, वैसे तो 4000 रुपीज़ के होते हैं, तो वो उसको 4000 की जगह 3500 में अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह से इसको रखना होगा।
उसके बाद में आप उसको यहाँ पर एक फ्री डाउनलोड का ऑप्शन भी है जो आपको बाद में चूज करना है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज का जो स्मॉल साइज का इमेज है वो फ्री डाउनलोड सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल हो तो आप इसको चूज करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। फिर आप नेक्स्ट चूज करेंगे, नेक्स्ट में वही आपको कैटेगरी चूज करनी है, जो पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है। फिर आपको कीवर्ड्स डालने हैं, स्टाइल आपको चूज करनी है, और आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका आर्ट वर्क का देना है यहाँ पर। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है रिलीज डॉक्यूमेंट। ये रिलीज डॉक्यूमेंट सिर्फ उन इमेजेस के लिए है जिसमें कोई रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन फेस अवेलेबल है। अगर कोई रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन फेस है तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको ये टर्म्स और कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। फिर आप अपलोड का रिलीज डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता रहा था, रिलीज डॉक्यूमेंट उसी कंडीशन में ज़रूरी है जब आपके आर्ट वर्क में कोई रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन फेस या बच्चे हैं, कोई सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन मॉडल है, उस पोजीशन में आपको रिलीज डॉक्यूमेंट, मॉडल रिलीज डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जो कि एक परमिशन होती है उस मॉडल या उस सब्जेक्ट के द्वारा कि वो आपको ये ऑथराइज करे कि वो आप उसके फोटोग्राफ ले सकते हैं और उनको कॉमर्शियली आप उनको सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिलीज डॉक्यूमेंट, आपको ये रिलीज डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपको हम मेल कर सकते हैं, वो फॉर्मेट उस पर आपको प्रिंट निकाल के साइन करा के और पर्टिकुलर सारी इंफॉर्मेशन भर के और वो आपको हमें भेजना होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह उसको यहाँ पर रखना होता है। तो ये जानकारी थी किस तरह से हम अपनी इमेजेस को लिस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी आपको इसमें सेल माई आर्ट आप जब ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट में आपको जो भी आपने अपलोड किया है वो आर्ट वर्क आपको सारा यहाँ पर दिखेगा और उसका स्टेटस दिखेगा कि वो आर्ट वर्क अभी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अभी न्यू आर्ट वर्क जो है वो यहाँ पर रिव्यू पेंडिंग दिखाएगा, जो एडमिन सेक्शन पर जाकर हमारे जो एडिटर्स हैं वो उसको देख के उसके पर्टिकुलर कैटेगरी, स्टाइल, इमेज का क्वालिटी, ये सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं। अदरवाइज उसमें कोई इशू होता है, कोई इमेज रिलेटेड इशू है या कोई कैटेगरी या कोई उससे, या आपने कोई रॉन्ग आर्ट टाइप या सब टाइप चूज किया है या इमेज का क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो वो आपको नॉट अप्रूव्ड में डाल के और उसका एक पर्टिकुलर रीज़न आपको मेल पर मिलता है कि वो क्यों अप्रूव नहीं किया गया, तो आप उसको करेक्ट करके और वापस आप हमें इंटीमेट कर देंगे तो वो वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। कुछ प्राइस रिलेटेड इशू है, कई बार कुछ प्राइस जो है बहुत इनअप्रोप्रिएट प्राइस डाल दी है, या इमेज की क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है, या इमेज की साइज़ छोटी है, तो हम आपको इंटीमेट कर सकते हैं और वो आपको करेक्ट करके और फिर हम उसको अप्रूव कर सकते हैं। फिर भी कोई इशू होता है तो आप 24/7 हमारा कस्टमर जो सर्विस नंबर है यहाँ पर आप कॉल करके और अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम हमेशा जो है आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। आप सेलर डैशबोर्ड में देख रहे हैं ये रेवेन्यू रिपोर्ट है। कई बार फोटोग्राफर्स का ये आर्टिस्ट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे आर्ट वर्क को किसी ने परचेज किया है, तो आपको यहाँ न्यू ऑर्डर पर वो दिखेगा कि कोई अगर न्यू ऑर्डर प्लेस हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखेगा। आपको आपका जो भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है वो सारा आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। माई सेल्स में जो रेवेन्यू रिपोर्ट आपको दिखेगी, जितना आपका टोटल मंथली जो सेल हुआ है आपकी इमेजेस का, उन सबका यहाँ पर ब्यौरा दिखेगा। रेवेन्यू रिपोर्ट में आपको जो शेयर है वो पूरा सोल्ड प्राइस और आपकी अर्निंग दोनों का आपको, और बायर का नेम दिखेगा, ये आपको यहाँ पर उसका रेवेन्यू रिपोर्ट में आपको आपको दिखेगा। फिर ब्लॉग, यहाँ पर आप ब्लॉग भी लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल्स डाल सकते हैं, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये कुछ फैसिलिटी यहाँ पर दे रखी है। माई प्रोफाइल में आपको अपना प्रोफाइल भी पूरा अपडेट करना होगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन कुछ जो है वो डालनी है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टेल अस लिटिल अबाउट योर कंपनी, अबाउट यू, आपको इमेज भी यहाँ पर अपलोड करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको हेल्प आएगी, आपको हेल्प करेगी अपने आर्ट वर्क को अपलोड करने में। थैंक यू, धन्यवाद।